हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड फूड शो विद हिमांशु त्यागी। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने वेजिटेरियन एपिसोड्स में एक और वेजिटेरियन रेसिपी, जिसका नाम है ब्लैक बीन स्टू, यानी कि काली उड़द का स्टू। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन में लेंगे हम थोड़ा सा तेल। इसमें डालेंगे एक बोल कटी हुई प्याज, 4 से 5 लहसुन, 1 कटी हुई हरी मिर्च, नमक अपने स्वाद अनुसार, और इन सब सामग्री को तब तक सोटे करेंगे जब तक प्याज हमारी थोड़ी ब्राउन नहीं हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ओरिगेनो, और उसके बाद ऐड करेंगे अपनी काली उड़द, जिसको मैंने एक रात पहले सोक कर लिया था। काली उड़द डालने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, टोमेटो प्यूरी, सोया सॉस और लाइम जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। और इसी के साथ साइड डिश में मैं बना रहा हूं शैलो फ्राई किए हुए, वो भी कोकोनट ऑयल में, केले के चिप्स। तो मैं खाने जा रहा हूँ ब्लैक बीन स्टू, यानी काली उड़द के स्टू को किन्नुआ, ब्रोकली और केले के चिप्स के साथ। आशा करता हूँ कि जो जैसे मील मुझे पसंद आई है, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, आपको भी अच्छा लगेगा इसी तरीके से बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑन द गुड फूड शो विद हिमांशु त्यागी।